मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शुक्रवार को भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत नवग्रह मेला मैदान में सभा रखी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। सभा से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, सीएम चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रोड शो भी किया। करीब 1 किलोमीटर के रोड शो में उन्होंने जनता का अभिवादन करते हुए सभा स्थल पहुंचे। लोगों ने रोड शो में जगह जगह पुष्प वर्षा कर नेताओं का स्वागत किया। सभा में नड्डा ने कहा कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने विकास की गंगा को अविरुद्ध किया। मोदी जी के नेतृत्व में केवल सरकार ही नहीं बल्कि उन्होंने कार्य करने की संस्कृति को भी बदल डाला। उन्होंने संकल्प दिलाया कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा में जिले प्रदेश की सभी सीटें बीजेपी को जिताएंगे। सभा को कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और सांसद ने भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। पवित्र धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो यहाँ के बहुत ही मान्यता के साथ, पवित्रता के साथ हम सब लोग जिनका आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे नवग्रह मंदिर को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद। और जिसे कहा जाए हिंदू पुनर्जागृत करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया, ऐसे मां अहिल्याबाई को भी मैं नमन करता हूं, आशीर्वाद। अभी अभी कैलाश जी रामचंद्र मिट्टल भाई बड़े जी हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।